जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज है यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिंतोली गोबटी आप सबुत मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं करा है क्योंकि आज मैं मायके से अपने ससुराल जा रही हूँ और आज ऐसे ही थोड़ा सा मतलब मोमेंट आप समझ सकते हो कि मायके से ससुराल जाने में कैसी हालत होती है एक लड़की की। तो आज मैं ससुराल जा रही हूँ और अभी मैं हूँ पोखरी मार्केट में। देख सकते हो आप लोग, ये नीचे वाला मार्केट है और ये ऊपर वाला मार्केट है। तो मैं अभी पोखरी मार्केट में हूँ। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने मोमो खाए हैं तो ठीक है दोस्तों। अभी बने रही आप साथ में, मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी पोखरी मार्केट में हूँ और यहाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे फैन मिले हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इनसे मिलके। ये हैं श्रीगढ़ से हो ना आप? माया प्रतापी चकवाला से। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आप मेरी वीडियो देखते हो और आगे भी मैं आशा यही करूँगी आप मेरी वीडियो देखते रहोगे। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? बहुत अच्छी लगती है। आप जब वीडियो बनाते हो इतना अच्छा लगता है कि हमको भी ऐसा एहसास होता है कि हमारे पहाड़ की नारी इतने आगे बढ़ चुके हैं। भगवान से दुआ करते हैं आप इतने आगे बढ़ो, इतनी तरक्की करो, आप हम लोग आप सारी दुनिया आपके हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी है मेरे साथ यहाँ पे, ये भी मेरी वीडियो देखते हैं। वसती, थैंक यू जी। तो आपको कैसे लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो और सुबह वाली वीडियो बहुत हिटी हुई आपकी अंग्रेज वाली। हाँ जी हाँ जी, अंग्रेज वाली तो इस वीडियो में दोनों दीरानी जिरानी है। तो उस वीडियो में जो भी था वो हकीकत है, वाकई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। हम लोगों को भी नहीं आती है, हम भी पढ़े लिखे हमको भी नहीं आती। तो जो है सच है कि इंग्लिश वाकई नहीं आती थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि वो वीडियो इतनी हिट होगी, न्यूज में तक वो वीडियो छप गई है। तो अच्छा है, चलो आपको देख के हमको भी कर सकते हैं यहाँ, हम क्यों नहीं, हमको आपको देख के बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच, करे आपको हर दुआ हर कबूल करे भगवान। तो इन्होंने मेरे खून की दो चार बूंद और बढ़ा दी है। तो जो आज का थंबनेल लगेगा इन्हीं का लगेगा, तो इनके साथ फोटो लेती हूँ और थंबनेल इन्हीं के नाम का लगेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो देखते और आगे भी देखते रहना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मेरी क्लासमेट भी मेरे को मिली है, ये है रीना। इसने और मैंने एक ही क्लास में पढ़ा है। तो हेलो रीना, कैसी है तू? तो एक ही क्लास पढ़ी है इसने मैंने, तो तूने भी देखी होगी वो वीडियो मेरी अंग्रेजी वाली ना, बहुत अच्छी है। तो जब इसको पता है जब स्कूल पढ़ने का टाइम था मौज मस्ती पड़ी, पड़ा पड़ा कुछ नहीं था। यहाँ पे जाम भी लग रहा है यार बहुत ज्यादा। तो ठीक है यार, ठीक है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फैन है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं और देखते रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो फिर दोस्तों अभी हम पोखरी मार्केट में हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और यहाँ जा रहे रोड क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी यहाँ को देखे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि आज मैंने ससुराल जाना होगा, लेकिन ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ भैया की दुकान से थोड़ा सब्जी खरीद लेते हैं, फल फ्रूट खरीदते हैं, आम भी आ रखे, लेकिन कोई कोई बोलता है आम अच्छे नहीं होते इस महीने। तो देखते हैं पढ़ना भैया। तो आज भैया की दुकान पर मैं सब्जी खरीदने आई गई हूँ, तो कुछ खरीदते हैं भैया की दुकान से, ठीक है? तो बने रहिए आप साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया था मैं आज ससुराल जा रही हूँ और ससुराल जाते नमस्ते। हाँ तो नमस्ते ऐसे मिलते रहते हैं भैया लोग, मतलब जान पहचान के मिलने। तो मैं अभी ससुराल जा रही थी और ससुराल जा रही थी मैं अपने किसी कोई भैया है मतलब दुकान का सामान लाते हैं, तो मैं पोखरी से उन्हीं की गाड़ी में आई हूँ। हबी जी को मैंने मना कर दिया था कि मत आओ गाड़ी लेके, तो जब वो जा ही रहे थे तो मैंने बोला उन्हीं की गाड़ी में चली जा रही हूँ। तो भैया ने बोला मैंने थोड़ा चन्नागर पे जाना है, मेरा थोड़ा काम है, तो मैंने कहा चलो चन्नागर घूम के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारी दुकान है और ये मतलब मेरी ससुराल में ही इसका भी ससुराल है जो इनकी लड़की है। तो आज मैं वहाँ पर आ रही हूँ, तो ठीक है दोस्तों बने रहिए आप साथ में, आपको फिर मिलते हैं सीधे घिंतोली मार्केट में। और मेरे साथ ससुमा भी आ रही है, यहाँ देखिए जो नमस्ते। हाँ तो ये मेरी रिश्तेदार भी लगती है और सुषमा की दुकान है पोखरी में। आजकल इनकी इसकी लड़की हो रखी, तो ये जा रही है घर मायके जा रही है, लड़की मायके में छोड़ी है, तो दो दो जिम्मेदारियाँ इसके अंदर तो निभा रही है अच्छे ढंग से। तो फिर ठीक है बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको सीधे आगे घिंतोली में।
ये देखो ये लेके आ गई है चाय। अबे काम ये है कप छोटे हैं। कप छोटे हैं। कप छोटे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं चन्नागर में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये है मतलब रिश्ते में क्या लगेगी तो मेरी बुली यानी बहनी बोलूंगी रिश्ते में, तो बहुत ही प्यारी है। तो आज मैं इसकी दुकान पे भी आ गई, बहुत प्यारी दुकान है इसकी, देख सकते हो। अभी भी बहुत प्यारे नहीं, आप तो बहुत प्यारे हो सच में, क्योंकि मैं मेरे कहना यही है कि जब हम किसी इंसान को बोलते हैं कि वो अच्छा है, वो प्यारा है, वो वाकई अच्छा होता है, इसलिए तुझे मैं प्यारी इसीलिए लग रही, तो कुछ प्यारी है। तो बहुत काम संभाल लिया, घर का भी काम संभाल लिया, मेरी 2 कॉपी है शायद कि घर का काम भी करे, सुबह बांझ का भाड़ा भी लाई वाला, और अभी दुकान भी संभाली है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत काम करती है वाकई। तो ठीक है यार, बहुत शुभकामनाएं देने की, इतनी अच्छी दुकान चला रही है और मेरे लिए प्यारी सी चाय बना के भी ला गई है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप साथ में, अब आपको गिंतोली में ही मिलेंगे सीधे। तो फिर दोस्तों 7 बज चुकी है और मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और बुग्गो आ गया मेरे को लेने आधे रास्ते तक। याद है कि इसको खुद लग गई थी मेरी, ओ मो बच्चो आ गई रे, आ गई, या देखो, तो इसको मेरी खुद लग गई थी, यहाँ देख सकते हो आप लोग। देख रहे आप, यही तो इंसानियत है दोस्तों। आजा 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 आजा, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, देखो कैसे कर रहा है। चल चल, ऐसे न फेंक करेगा आप, क्या देखो, चलो भाई, कृष्णा खुशी क्या कर रहे हैं हम। मेरी एंट्री हो गई है अपने घर पे और मेरा बच्चा आ गया है, यहाँ देखिए मुंडना पन्ना बच्चा, वो बच्चा कैसे है? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब दोस्त मैडम आ रहे हैं, देखते एक बुगु पन्ना वाला बच्चा, ठीक है, यहाँ देख दो, मम्मा को देख दो वाला कुत्ता। तो फाइनली घर पे पहुँच गई हूँ और अब चलते हैं घर के ओर। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप साथ में, मिलते हैं आपको फिर से। सफाई किसने करी? तो फिर दोस्तों टाइम 7 बज चुकी है जैसे मैंने बताया था, और अभी कपड़े कुपड़े भी चेंज नहीं किए, ये घास की कंडी पकड़ दिया, ये डब्बा पकड़ दिया, चलते हैं गौशाला की ओर और फटाफट से गाय से दूध निकालते हैं। यहाँ देखो गाय, इनको भी लग गई मेरी खुद। तो ठीक है, बने रहिए साथ में, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, खाना यानी आटा मैंने गोंद दिया है और अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो हैवी जी भी आ गए हैं दुकान से, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं बाहर पे, और मैं भी देखू कह कैसी मैं नीरस रखी, मेरे हाथ पे नीरस रखी ना। और बच्चे अंदर पे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जय माता रानी की दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह, और कल मैं जैसे मैंने बताया था मैं मायके से आ रही हूँ, तो कल मैं मायके से आई और आज सुबह उठ के ही मैं जंगल चली गई थी, क्योंकि जो मैंने घास इकट्ठा किया हुआ था वो डाल दिया था मेरी सासू जी ने गाय के पास, तो नहीं रह रखा था, तो मैं गई जंगल और जंगल से लेके आई मैं का भाड़ा, यानी एक बांझ का पेड़ होता है, एक दूसरा होता है, तो इसको मोरू बोलते हैं, उसको बांझ बोलते हैं। और टाइम हो गया 9 बज गई है और बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, क्योंकि मायके का जो आनंद लाए ले रखा था ना वो बाहर आ गया एक ही दिन में, तो उंगली पे भी थोड़ी सी खरोच आ गई है, ये तो मेरे पे डेली आती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं घर के लिए, अभी घर मेरा काफ़ी दूर है, वहाँ आ गया और काफ़ी दूर से मैं बांझ का भाड़ा लेके आई हूँ, और मेरे साथ मेरा बुग्गू भी आ रखा है, उसी का सहारा है, और जो और दोस्त लोग थे वो मतलब थोड़ा आगे चले गए थे, लेकिन अभी कहीं उनका अता पता नहीं है, वो मेरे को दिखे भी नहीं, तो मैं गई और मैंने काटा और मैं घर आ गई।
तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको सीधे घर पे। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं दुकान पे आ गई हूँ और बांझ का बारा घर पे रखे गाय को दे के और थोड़ा नहा के अब मैं दुकान पे बैठ रखी हूँ। तो मेरे मायके से ससुराल तक का सफ़र कुछ इस तरह से रहा, आप लोग देख चुके होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे फ़ैन मिले थे, तो बहुत अच्छी खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे इतने सारे फ़ैन मिले मेरे। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। जय माता रानी की।